और इसी बीच एक बड़ी खबर हमें इस वक्त की मिल रही है, भोपाल से एक खबर है जहां कांग्रेस ने मतगणना को लेकर रणनीति बनाई है। कांग्रेस के दिग्गज अपने प्रभार वाली सीटों पर मौजूद रहेंगे। विधायक और पूर्व मंत्रियों के पास इसकी जिम्मेदारी थी जो अपनी सीटों पर रहेंगे, और इसके साथ ही चुनाव लड़ाने से लेकर जिताने तक की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। तो प्रत्याशी के साथ मतगणना स्थल पर ये प्रभारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कमान संभालेंगे। तो ये नई रणनीति मतगणना को लेकर कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस के दिग्गज अपने प्रभार वाली सीटों पर मतगणना के दौरान मौजूद रहेंगे। तो विधायक और पूर्व मंत्रियों के पास ये जिम्मेदारी थी, चुनाव लड़ाने से लेकर जिताने तक की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी। अब मतगणना स्थल पर भी ये मौजूद रहेंगे। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वैभव जी, प्रभार इन कांग्रेस के दिग्गजों को सौंपा गया था, लेकिन अब मतगणना से पहले किस तरह की जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई है? वैभव जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये नई रणनीति बनाई है, मतगणना से पहले कांग्रेस के दिग्गज अपने प्रभार वाली सीटों पर मौजूद रहेंगे। यानी कि जिन दिग्गजों को जिस सीट का प्रभार चुनाव से पहले उपचुनाव को लेकर सौंपा गया था, अब इन्हें मतगणना को लेकर ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेस के दिग्गजों को, अपने प्रभार वाली सीटों पर मौजूद रहना होगा। विधायक और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इस जिम्मेदारी का निर्वहन मतगणना के दौरान भी इन्हें करना होगा। चुनाव लड़ाने से लेकर जिताने तक की जिम्मेदारी है, और प्रत्याशी के साथ ही मतगणना स्थल पर ये जिम्मेदार, ये जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, ये मौजूद रहेंगे। इधर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथों में जिम्मेदारी रहेगी, वो यहाँ पर कमान संभालेंगे। इसके साथ ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो प्रभारी हैं वो प्रत्याशियों के साथ मतगणना स्थल पर ही मौजूद रहेंगे।